ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। भागवत का स्कंद 9वां 11वां अध्याय, सीता जी को वनवास देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रामचंद्र जी ने राज सिंहासन पर बैठ के ही यज्ञ किए और बहुत सा दान रखीश्वरों को दिया, जिसकी कुछ संख्या ही नहीं। सब देवता और दैत्य उनकी आज्ञा में रहते थे। एक दिन रात्रि को रामचंद्र जी भेष बदल कर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने लिए पूरी में फिरने लगे। सो एक धोबी ने अपनी स्त्री से लड़ते हुए ये कहा कि तू बिना हमारे कहे एक रात्रि कहीं बाहर रही, सो तू मेरे घर रहने योग नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो चली जाए चली जा। मैं कोई राजा रामचंद्र तो नहीं, जो सीता उनकी स्त्री वर्ष दिन रावण के घर रही, फिर उन्होंने अपने घर लाकर रख लिया। जब रामचंद्र जी ये लोक निंदा अपने कानों से सुन राज मंदिर में आए, उसी चिंता विच रात्र भर निंद्रा ना आई। सो प्रातः काल लक्ष्मण को बुलाकर कहा, सीता को ऋषि किसी बहाने कहीं वन में छोड़ आओ, घर रखने से लोग हमारी निंदा करते हैं। तब लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा भंग ना कर सके और सीता जी से जा कहा कि तुम हमारे साथ ऋषिश्वरों के दर्शन लिए चलो। तब सीता जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्नता से लक्ष्मण जी के साथ रथ पर बैठ चली। उस समय बहुत छोटे अपशगन हुए, पर सीता ने कुछ विचार ना किया। जब लक्ष्मण जी गंगा से पार हुए, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे और पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी जी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई तो राजी है, तुम क्यों रोते हो? ये वचन सुनते ही लक्ष्मण जी ने अति व्याकल हो सब वृतांत कह दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तुम्हें वन विच छोड़न आया हूँ। ये बात सुन सीता अचेत हो गई और गिर पड़ी और अति बिरलाप कर लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा जो आज्ञा रघुनाथ जी दी हो सो तुम करो, और मेरी ओर से रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कह देना कि हमसे जो अपराध हुआ है सो क्षमा करे, क्योंकि मैं तो उनकी अनेक जन्म की दासी हूँ। फिर लक्ष्मण जी उस गर्भवती सीता को वाल्मीकि के स्थान पर छोड़ चले आए। वहाँ भी लव खुश बालक सीता जी के हुए। जब पीछे से रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़ा लव कुश ने बांध युद्ध किया, तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको मूर्छित किया। जब सीता के खबर हुई तो उनको रोका, तब फिर उन्होंने अमृत लाकर सरजीत किया और उनके साथ ज्योतिया को जानकी समेत गए। रामचंद्र जी का दर्शन कर नेत्र शुभल किए, तब सीता जी धरती में समा गई। सो रामचंद्र जी ने बहुत शोक किया। राज अपने लड़कियों को दे समेत अयोध्या वासियों दे वैकुंठ धाम को गए। सो देखो, नर दे धारने से और गृहस्थ आश्रम करने से तिन्होंने जगत को दिखलाने वास्ते ये चरित्र किए थे, नहीं तो उनके आगे रावण क्या था। चाहते तो क्षण भर में त्रिलोकी का नाश कर देते, ये सब नर दे ही धारने का व्यवहार था। 11वां अध्याय समाप्तम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण राधे राधे।